हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, जल्दी जल्दी से आप सब बता देंगे कि क्या मुझे सुन पा रहे हैं। एवरीवन ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट लेट मी नो कि इफ आई एम ऑडिबल, सो देन क्विकली वी कैन गो अहेड। एवरीवन ऑफ यू, बच्चा सारे लोग मुझे बता दीजिए कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। इफ ऑल गुड देन वी कैन प्रोसीड। All right, that's great. Hello Tejas, Navneet, who else is there? Princess, Anjali, good morning, good morning. सारे लोग मुझे बता दो कि क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं। जल्दी जल्दी से बता दो तो देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? I hope मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है, किसी को कोई आई मीन प्रॉब्लम नहीं है, नो ग्लिचेस, नथिंग। क्या देखो, आज हमको क्या करने वाला है, करना है लाइक कि जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था कि विल डू यू नो कि अलग अलग केसेस में व्हाट विल बी दी हाउ द मैग्नेटिक यू नो फ्लक्स विल चेंज, सो ऑल दो स्टफ। तो मैं सारे केसेस बता दूंगी, इवन लूप के भी, एंड देन लाइक कि अगर मैग्नेट को हम ले रहे हैं टूवर्ड्स अवे एंड ऑल दोस केस, ठीक है? तो वो सारी चीजें हैं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देख लूँ कि मैं खुद को दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ कि नहीं, आप लोग तो बता ही नहीं रहे। ओके, मिला मिला, चलो बढ़िया, सो लेट्स गो अहेड नाउ। ठीक है, तो बच्चा दोज हु आर न्यू फॉर देम, myself Archana Pandey, rest everything is there on the screen, you people can see. And apart from this, ये अपनी जो NEET आगाज की batch है, ठीक है, this is for NEET 2022 students. अभी आप लोग यहाँ 10 AM के lecture में, इसके पहले दो bio के lectures आपने attend किए होंगे। Later on there will be a chemistry class and then physics की class होगी, वो again एक। ये 2023 की क्लास होती है नीट शिखर, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स 4 PM ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्लास विल बी फिजिक्स बाय नारुका सर, देन शिवानी मैम बायो लेंगी, देन 6 PM अगेन आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ेंगे, जो कि हम बेसिक मैथ्स कर रहे हैं। प्रोबेबली जस्ट इन 1 or 2 days अपना बेसिक मैथ्स पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, देन वी विल बिगिन विथ वॉट वेक्टर्स, उसके बाद केमिस्ट्री, देन बायो। एंड आप लोग ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है? आप ज्वाइन कर लीजिए एंड आपको सारे नोट्स नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलेंगे। प्लस इफ यू गाइस विश टू ज्वाइन दी व्हाट प्लस प्लेटफॉर्म, प्लस आइकॉनिक, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है? एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी अपने पास में यू नो सब बोल सकते हैं कि एकदम बम्पर ऑफर है, ठीक है? सो अरे नहीं भाई अंजलि, दिख रहे हो तुम, मैंने बोला गुड मॉर्निंग, ठीक है? सो ये चीजें हैं नीट प्लस सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इफ एनीवन इज हियर फ्रॉम यू नो 9th and 10th grade, आप अगर 2 years का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यू नो 2 years जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, आई मीन टोटल 4 years का हो जाएगा। सो नीट का सब्सक्रिप्शन आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, एज यू कैन सी हियर, बाय 2 years कॉम्बो एंड गेट 4 years, ठीक है? सो नाउ ये देखिए, अगर आप यूजुअली लेंगे तो आपका ये प्राइसिंग होता है, और अभी एज ऑफ नाउ दिस इज द स्पेशल प्राइस एंड दिस इज फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स, सो आई मीन यू कुड बी वन ऑफ दोस 500, तो आप लोग इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। अगेन अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं अलॉन्ग विथ नीट यूजी, स्टिल यू कैन गो अहेड। सो फाउंडेशन प्लस नीट का भी ऑफर है, तो क्लास 9th and 10th स्टूडेंट, अगर आप 2 years का फाउंडेशन कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 years का नीट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री है। यूजुअली दिस इज व्हाट द फीस, एंड राइट नाउ आप देख सकते हैं कि ऑफर जो है, अगेन ऑफर में काफी ज्यादा आपका फीस कम हो गया है, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स ओनली। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज दिस बैचेस आर व्हाट दिस इज स्टडी फ्रॉम 13th, जो कि आज से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नो इश्यूज। एंड कॉम्बैट देना मत भूलना, ठीक है? कॉम्बैट के लिए जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, ठीक है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं Archana10, अगर
अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपका फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है फॉर कॉम्बैट. एंड पता है इस बार का कॉम्बैट इसलिए स्पेशल है क्योंकि आपको सिलेबस पता है. तो फिजिक्स का सिलेबस आप देख सकते हैं, क्लास 11 से जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन वेक्टर्स है, 12th स्टैंडर्ड से जो आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ, ठीक है 13. इन मतलब कि आप जो भी क्लास में आप उसके लिए रजिस्टर करेंगे तो ये आपका सिलेबस है, आपको टॉपिक्स पढ़ के जाइए. सिमिलरली हियर इज द वर्ड सिलेबस फॉर केमिस्ट्री एंड देन दिस इज फॉर बायो. अब इतना दो दो टॉपिक तो सारे लोग ही पढ़ के जा सकते हैं ना. ऑल राइट, तो आप सब लोग इसको पढ़ के जाइए एंड अच्छे से कॉम्बैट दे देना, बिकॉज आप अगर कॉम्बैट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको फ्री प्लस यू नो सब्सक्रिप्शन मिल सकता है एंड अदरवाइज भी आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपकी इफेक्टिव फीस जो है वो रिड्यूस हो जाती है. तो याद रखना कि मेगा कॉम्बैट ऑन 17th ऑफ अक्टूबर एट 11 AM, ठीक है. एंड यू गाइज हैव टू यूज जस्ट माई कोड अर्चना 10, दैट्स इट, ठीक है. इसको यूज कीजिए एंड फ्री रजिस्ट्रेशन हो सकता है. लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन प्लस और आइकॉनिक किसी के लिए भी, आप 2023 से हैं तो आप 24 मंथ्स ले सकते हैं. इफ यू ऑल आर फ्रॉम 2022 ये ले लीजिए, अगेन सेम कोड अर्चना 10, दैट्स इट, ठीक है. द मोमेंट आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको इमीडिएटली 10% ऑफ मिलेगा. साथ में आपको मेरी मेंटरशिप, मेरा गाइडेंस, पूरा नोट्स, आपको सारी चीजें मिलेंगी. आइकॉनिक लेना आइकॉनिक लो, प्लस लेना प्लस लो. आइकॉनिक के अपने थोड़े फायदे हैं और ठीक है, ये मेरा कोड है अर्चना 10, आप इसको यूज कीजिए एंड बाकी चीजें हो जाएंगी. तो चलो लेट्स बिगिन विद द कोर्स एंड आई थिंक अब किसी को कुछ डाउट नहीं है एंड सबके साथ शेयर कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से गाइस. Share with everyone, ठीक है, so that you know we can quickly go ahead. So हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, हमने लेंज लॉ पढ़ा हुआ था एंड उसका यू नो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, और उससे थोड़ा यू नो हाउ दैट दिस लेंज लॉ इज वॉट रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फिर हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कर रहे थे एंड इसी में हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था, ठीक है, कि आप देख सकते हैं किस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है. अब ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. नाउ आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी केसेस, ठीक है. सो नाउ आई एम कीपिंग माय फोन असाइड. आपके जो भी डाउट्स होंगे डेफिनेटली मैं बीच बीच में आपके डाउट्स लेते रहूंगी, ठीक है. So let me just begin with it and I hope सब लोग एकदम रेडी हैं पेन पेपर के साथ में. चलो let's go ahead now. All right, let me just keep it over here. तो हमको क्या डिस्कस करना है, we have to I'm sorry we have to discuss about the what you know. हमने direction तो पढ़ लिया था previous वाले slide में, आप देख सकते हैं कि here in this slide. So if the what you can say the flux is what decreasing, so magnetic field due to induced current will be what along the existing field. इस चीज को याद रखना, क्या कि अगर magnetic flux decrease हो रहा है तो जो induced you know magnetic field है जो कि due to induced current है that will be along, and if magnetic flux is increasing so magnetic field due to induced current will be what in the opposite direction of what is existing field. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि what we have to find out, we have to find out you know कि what is the direction of induced current. The moment we will get the direction of induced current, ठीक है, so then हम बता सकते हैं कि जो वो magnetic field generate हुआ है due to induced current, whether it will be what you know inward direction, outward direction, किस direction में होगा, तो वो सारी चीजें. तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप लोग मिस नहीं करना, अच्छे से सारी चीजें लिखना, ठीक है. वन सेकेंड, सॉरी. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट रिगार्डिंग द लेंज लॉ, ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ
लेंस लॉ. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट, देखो द वेरी फर्स्ट थिंग, हम अलग अलग केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क मी. द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोग ने, मैं वापस से रिपीट कर दूंगी कि सपोज इफ यू आर हैविंग द व्हाट रेक्टेंगुलर कॉइल, बिकॉज राइट नाउ वी विल नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इसलिए, एंड इफ यू आर पुलिंग दैट यू नो वो जो रेक्टेंगुलर लूप है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पुल कर रहे हैं कहाँ, इन सम एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड लाइक दिस. ठीक है, ये इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऑलराइट, एंड आई होप आप लोग को याद है, आप लोग ने बताया था कि अगर ऐसा डॉट करके सर्कल है तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, विच इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, देखो कैसे पता चलता है, पहली बात तो डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा, सो यू कैन यूज द राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, आपके जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ठीक है, ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, दिस विल गिव यू द व्हाट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, द कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू द व्हाट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड द स्ट्रेच्ड थंब विल बी गिव यू द व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस यू नो इंड्यूस्ड करंट. अगेन लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर. देखो मैं अगर कोशिश करती हूँ डायग्राम ड्रॉ करने का, आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर पाऊंगी. ठीक है, तो ठीक है काम चला लो भाई जैसा भी है. ठीक है, बस समझ लो कि किसी का तो है ऐसे टूटा फूटा हाथ जिसका भी होगा. ठीक है, सो दिस थंब विल गिव यू द व्हाट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, सॉरी इंड्यूस्ड, वन सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट. Direction of induced current, ठीक है, direction of ठीक है, so this will give you the what direction of induced current, direction of induced current. समझ में आया? तो आप देखो अगर आपके जो राइट हैंड के यू नो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, इफ यू विल कर्ल योर फिंगर्स इन व्हाट, कौन से डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं ये इस तरह से, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं तो थंब जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, दैट विल जनरेट बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट, इट विल बी व्हाट इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, मतलब वो आप बोल सकते हैं कि प्लेन से बाहर आएगा. सो ये इस तरह से डायरेक्शन होगा. एंड अगर आप यही फिंगर्स को क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां से ऐसे कर्ल कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे क्लॉक वाइज कर्ल कर रहे हैं तो थंब विल गो इन व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो क्या बोल सकते हैं कि आपको जो फील्ड है दैट विल व्हाट, इट इज व्हाट इनवर्ड डायरेक्शन. क्यों? बिकॉज ऑफ द व्हाट इंड्यूस्ड करंट. वो चीजें हम यहाँ यूज करेंगे, इसलिए मैंने पहले लिखा दिया आपको ताकि आपको समझने में कुछ कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, नाउ हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि वी आर हैविंग व्हाट यू नो वन लूप, तो चलो हम यहाँ से कंसिडर करते हैं. तो सॉरी यहाँ से सपोज एक लूप हम लेकर आ रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, एंड जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा यू नो, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, ये जो लूप है, ठीक है, द मोमेंट कि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ दिस लूप विल व्हाट इंक्रीज ड्यू टू दिस व्हाट इन, और यू कैन से द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, द मोमेंट यू आर सेइंग द एरिया ऑफ मैग्नेटिक लूप विल इंक्रीज, तो आप यहां बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, कब? जब आप इस लूप को कहां लेकर आ रहे हैं, विद इन दिस
एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर लेकर आ रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट के एरिया विल व्हाट इंक्रीज, सो यू कैन से दैट देयर विल बी व्हाट इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. एंड ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अब आप क्या बोलेंगे कि देयर विल बी व्हाट सम इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ और ईएमएफ एंड करंट क्यों इंड्यूस होता है, ड्यू टू चेंज इन व्हाट मैग्नेटिक फ्लक्स. सो इफ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग तो यू कैन से दैट क्योंकि देयर विल बी व्हाट सम इंड्यूस्ड करंट. And that induced current will what try to oppose the what change in magnetic flux. मतलब वो जो increase हो रहा है magnetic flux, उसको oppose करने का try करेगा. समझ में आ रहा है आपको? अभी हम लोग ने previous point देखा था कि if there is what increase, ठीक है, तो then जो आपका direction of magnetic field होगा, you know, due to induced current, it will be what opposite. Opposite मतलब कैसे आप बोल सकते हैं? So simple सी चीज है कि यहाँ आप बोल सकते हैं, यू नो आप ये आप यहां से अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है. सो इसका जो फील्ड हो जाएगा, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग इनसाइड, तो सिंपल सी चीज है कि नाउ द फ्लक्स इज व्हाट इंक्रीजिंग. अब इसको अपोज करने के लिए सो जो यहाँ पर करंट जो जनरेट होगा दैट विल बी व्हाट इन एंटी क्लॉक वाइज, बिकॉज आप देख रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज होगा तभी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है. सो दिस इज द व्हाट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. आप यहां बोल सकते हैं ये जो I है, यहां मैं लिख दे रही हूं, I इज द वर्ड विच इज इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट. तो अब इंड्यूस्ड करंट आपको क्या मिल गया, दिस इज वर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड नाउ देयर फोर आप बोल सकते हैं कि सिंपल सॉरी आई एम सॉरी दिस इज वर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये किस तरह से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना क्लॉक, आप देखो ये क्लॉकवाइज होगा. ऑलराइट, आई एम सो सॉरी, ये आपका 12 है, दिस इज व्हाट दिस 6, ये 3 है, ठीक है, दिस इज लेट्स से 9. तो ये इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो दैट मींस व्हाट इट इज इन क्लॉकवाइज. ऑब्वियसली बात है क्लॉकवाइज होगा, क्यों, ये वाला फील्ड जो है अपोज कर रहा है ना. हमने यहाँ पर देखो कौन सा फील्ड ड्रॉ, पहले से जो एग्जिस्टिंग फील्ड है, एग्जिस्टिंग फील्ड इज इन व्हाट, यू नो, आउटवर्ड डायरेक्शन में है. तो मतलब आप इसको यहां से लेकर आ रहे हैं फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो जो दूसरा फील्ड जनरेट होगा दैट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? अगर ये इनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका ये जो थंब है, थंब कहां जा रहा है, थंब इज व्हाट इन गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप देखो ना, अगर ये इनवर्ड है तो इसे रोटेट करो फिंगर्स को, थंब इज गोइंग इन व्हाट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इंड्यूस्ड करंट विल बी व्हाट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. समझ में आया एवरीवन? जस्ट लेट मी नो, ठीक है. अगर किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर कि इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, सो जस्ट लेट मी नो, ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है. एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, शायद तो सारे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड नाउ. ओके ओके, एक बार मैं वापस रिपीट कर दे रही हूँ, बिकॉज मैंने पहले बाय मिस्टेक उसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था. तो लेट मी जस्ट वंस अगेन रिपीट इट. मैंने क्या बोला कि हियर ऑलरेडी वी आर हैविंग द व्हाट एग्जिस्टिंग फील्ड, ये जो है ये आप देख रहे हैं डॉट वाला एग्जिस्टिंग फील्ड, इट मींस व्हाट, इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ये जो एग्जिस्टिंग फील्ड है ये क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है. वी आर ब्रिंगिंग दिस यू नो करंट लूप, और ये यहाँ पर जो लूप है, ठीक है, इसको हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. ऑलवेज रिमेम्बर कि आप ये लूप को अगर कभी भी यहाँ पर इफ यू आर पुलिंग इट यू नो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर आप यहाँ अंदर लेके आएंगे सो द एरिया ऑफ लूप विल व्हाट इंक्रीज ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स विल इंक्रीज. यहां से क्या होगा कि फ्लक्स विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तुरंत आपके माइंड में डायरेक्शन याद आना चाहिए क्या, कि इफ द फ्लक्स विल इंक्रीज सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यू नो इंड्यूस्ड करंट विल बी अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग. तो अब एग्जिस्टिंग वाला क्या है, आउटवर्ड है, अब यहाँ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से फील्ड होगा दैट विल बी इनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट, इनवर्ड. तो इनवर्ड कब हो सकता है, एंड ऑलवेज यूज योर राइट हैंड, ठीक है. इनवर्ड अगर ऐसे बोल रहे हैं, मतलब आप देखो ना, ये फिंगर्स
का डायरेक्शन कहाँ होगा? कर्ल करो, तो इट विल बी इन व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड दिस गिव्स यू व्हाट? दिस योर कर्ल फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इंड्यूस्ड करंट. एंड द थंब गिव्स यू द व्हाट? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ द सेकेंड थिंग, सेकेंड केस विल टॉक अबाउट. ठीक है, सेकेंड केस क्या है कि इफ वी आर यू नो टेकिंग दैट लूप अवे फ्रॉम द व्हाट? फील्ड. ठीक है, सेकेंड केस. ठीक है, यू कैन से दैट जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वी आर टेकिंग दैट लूप अवे फ्रॉम द व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. तो लेट्स से नाउ वी आर टेकिंग द व्हाट फील्ड. अभी हम जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वो हम किस डायरेक्शन कैसा ले लेते हैं? विच इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ऐसे ये हम लिखने, दिस इज द व्हाट एग्जिस्टिंग फील्ड. ऑल राइट, लाइक दिस. अभी सपोज कि हम लोग ने लूप को जो यहां से यहां लेके आए थे, तो इनिशियली द लूप वॉज प्रेजेंट, तो यू कैन से दैट इनसाइड द फील्ड. ठीक है, इनिशियली द लूप वॉज प्रेजेंट समवेयर ओवर हियर. ठीक है, एंड आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ फील्ड जो है इनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में. तो सिंपल सी चीज है, दो चीजें याद रखनी है बस तुमको. क्या? इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो. एक तो तुमको फ्लक्स पे फोकस करना है कि वेदर द फ्लक्स इज व्हाट इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग. द मोमेंट यू विल कम टू नो कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो तुरंत तुमको क्या पता चलेगा? यू विल कम टू नो कि यू नो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग कि जैसे ही आपको पता चलता है कि यू नो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे सिंस आपको लॉस पता है कि फ्लक्स इंक्रीज होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, सो दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एग्जिस्टिंग वन, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. एंड इफ द फ्लक्स इज व्हाट डिक्रीजिंग, ठीक है, तो इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट? तो इसीलिए हमको ध्यान में क्या रखना है, वी हैव टू रिमेम्बर द वर्ड फ्लक्स. मतलब वी हैव टू, यू कैन से वी हैव टू फाइंड आउट कि फ्लक्स में क्या चेंज होगा. इवन दो इफ यू आर टेकिंग इट यू नो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड या इसको वी आर पुलिंग इट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सो उससे क्या फर्क पड़ेगा फ्लक्स पे. ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जैसे ही वी आर व्हाट पुलिंग इट आउट, ये यहां पर है. ठीक है, हम इसको यहां से यहां लेके आ गए समवेयर लाइक दिस. तो द मोमेंट यू गाइस कैन से दैट यू नो कि मैग्नेटिक फील्ड व्हाट डिक्रीज इनसाइड द फील्ड, इसका जो प्रेजेंस होता है, तो यहां बोल सकते हैं कि दैट विल व्हाट इंक्रीज. बट जैसे ये जा रहा है यहां पर, इट विल व्हाट डिक्रीज. एंड आपको चाहिए तो आप यू कैन फाइंड इट आउट यू नो वन सेकेंड दैट फ्लक्स विल व्हाट यू नो डिक्रीज. तो सिंपल सी चीज है दैट सिंस फ्लक्स इज व्हाट विच इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला तो होता है तुम्हारा बी बार डॉट यू नो डीएस बार. बट सिंस यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये लूप है, लूप का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है, एंड द फील्ड इज सॉरी अगर आप ऐसे ले रहे हैं, लेट्स से कि चलो ये प्लेन को ही कंसिडर कर लो. ठीक है, फॉरगेट अबाउट लाइक दिस. ये यहाँ पर आपने ऐसे लूप रखा हुआ, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, एंड ये जो फील्ड है, ठीक है, फील्ड जो है, देखो सिंस अब ये एक चीज ध्यान रखो कि ये क्या है, तुम्हारा लूप है. ठीक है, लूप का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों साइड से जाएगा, यहां से भी ऐसे यहां से भी. ठीक है, तो वी विल कंसिडर लाइक यू नो ये जो ये यहाँ पर फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है. ठीक है, एज आई सेड कि लूप अगर आप ले रहे हैं कोई भी रेक्टेंगुलर लूप, तो क्योंकि उसका जो वेक्टर है ऐसे दोनों साइड से ऐसे पास होगा, तो इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे अंदर जाएगा. तो दैट मीन्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में. तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, विच विल बी बी डी एस कॉस थीटा एंड थीटा इज जीरो, थीटा जीरो, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन. सो इट विल बी जस्ट बी डी एस, सिंस आप लिख सकते हैं
थीटा इज व्हाट विच इज जीरो डिग्री. आई थिंक क्यों जीरो हुआ मैंने आपको बता दिया, बिकॉज जो डीएस का डायरेक्शन है और बी का डायरेक्शन है, दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, दैट्स व्हाई. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया. मैग्नेटिक फ्लक्स विल व्हाट, दैट विल डिक्रीज. ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इट विल डिक्रीज. कौन से केस में, when you will take out this, I mean, or you can say when you are pulling out this, you know, loop, rectangular loop, from this magnetic field. तो जैसे ही magnetic flux decrease होगा, तुरंत आपके mind में क्या click होना चाहिए, अच्छा magnetic flux is decreasing. So the direction of, you know, magnetic field due to induced current will be what, in the same direction. Same direction मतलब कि inward ही होगा. ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि you know, ये जो डायरेक्शन होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट विल बी सेम एज द एग्जिस्टिंग वन. तो एग्जिस्टिंग वन मतलब ऐसे ही होगा. सो दिस इज द व्हाट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट of induced current due to induced current ठीक है. अब जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि ठीक है जो यू नो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से इनवर्ड डायरेक्शन में इनवर्ड है, लुक एट योर डायरेक्शन ऑफ यू नो ये जो फोर फिंगर्स हैं, फिंगर्स को कर्ल करो, दैट विल बी व्हाट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट आएगा यहाँ से, जो इंड्यूस्ड करंट होगा दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी आपको, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा. ठीक है एवरीवन, जस्ट लेट मी नो इफ एनी डाउट एनीथिंग, सो जस्ट टेल मी, अदरवाइज वी कैन गो अहेड. आई होप सबको दिख रहा है. समझा? ऑल राइट, चलो लेट्स गो अहेड नाउ. भाई अगर जो यहाँ पढ़ने नहीं आए तो प्लीज आप लोग जा सकते हो. मैम सुबह सुबह मॉर्निंग में आके आप अपना भी मूड मत खराब किया करो, मेरा भी मत खराब किया करो. लिटरली जिनको पढ़ना है आप रुक सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है यू गाइस कैन गो. आई मीन यार रुक के आप ऐसा कुछ उपकार वाला कान सीन तो कर नहीं रहे. ऑलराइट नाउ लेट्स गो अहेड. आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी व्हाट द नेक्स्ट केस, द थर्ड वन. थर्ड केस अभी हम क्या बोलेंगे कि सपोज इफ यूर वी आर हैविंग दी व्हाट वन, यू नो कोई इस तरह से वायर है जिसमें से करंट क्या पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज व्हाट दी यू नो करंट कैरिंग वायर, इसमें से आई करंट पास हो रहा है एंड वी आर हैविंग वन रेक्टेंगुलर लूप. ये इस तरह से अपने पास में रेक्टेंगुलर लूप है. इफ वी आर ब्रिंगिंग यू नो दिस लूप टुवर्ड्स योर, यू कैन से वी आर मूविंग दिस लूप टुवर्ड्स दिस करंट कैरिंग वायर. ये इस तरह से स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और ये रेस्ट पे रखा हुआ है, मतलब इसको नहीं हम मूव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये लूप को यहाँ इसकी तरफ लेकर आ रहे हैं. सो देन यू नो अब कुछ ना कुछ तो आप बोल सकते हैं कि देर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इफ देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेटली द करंट विल इंड्यूस, एंड इफ द करंट विल इंड्यूस सो देर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट. ऑलराइट, तो वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. सो नाउ द नेक्स्ट केस इज दैट, आई होप आपको केस समझ में आया होगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन से दैट करंट कैरिंग वायर. ठीक है, दिस इज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर आप बोल सकते हैं. Here we are having the what, rectangular loop. All right. So in this case, अब आप क्या बोल सकते हैं?
ठीक है। एंड इसको फिलहाल हम लेट्स कंसीडर कि ये कितना डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, लेट्स से दिस इज द व्हाट डायरेक्शन ऑफ एक्स। एंड हमेशा ध्यान रखो कि वी आर कंसीडरिंग द यू नो करंट कैरिंग वायर, सो बिकॉज ऑफ दैट जो फील्ड जनरेट हो, बिकॉज इसकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, दैट विल बी ऑलवेज इन इनवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, इट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। आई होप दिस दिस थिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है, यहाँ किसी को कुछ डाउट नहीं है। अगर ये जो फील्ड है, मतलब आप बोल सकते हैं दिस इज द एग्जिस्टिंग फील्ड, ठीक है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप क्या कर रहे हैं, आई एम सॉरी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट गिवन बाय, यू शुड नो द फॉर्मूला व्हिच इज म्यू नॉट, क्या होता है देखते हैं किसको किसको याद है, अगर यहाँ कोई पढ़ रहा है तो, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई, जैसे आर होता है यहाँ कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे है। तो अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट यू गाइस कैन से दैट बी इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट, यू नो आप क्या बोल सकते हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 5, बिकॉज जैसे ही यू नो आप बोल सकते हैं कि आई बढ़ रहा है तो 5 भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ द करंट इन दिस वायर इज इंक्रीजिंग, सो मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज, एंड वंस द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, आप यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो इन दिस केस नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली क्या क्या यू नो डिफरेंस होगा। सो वी कैन से दैट कि अब नाउ द फर्स्ट केस, ठीक है, ये तो हम लोग ने यहाँ से ऐसे ले लिया कि चलो ठीक है एक वायर है, वायर की वजह से यू नो वट एवर विल बी दी मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आप बोलो, दैट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये रिलेशन है कि अगर मैग्नेटिक सॉरी करंट इज इंक्रीजिंग तो मैग्नेटिक फील्ड विल वॉट इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। सो द फर्स्ट केस लेट्स से आई इज वॉट इंक्रीजिंग, ठीक है, वॉट वी आर सेइंग I is what increasing. If I is increasing, you guys can say that 5 will also increase, है ना? So therefore, 5 will also increase. And the moment you are saying कि 5 is increasing, ठीक है? तो तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ठीक है? That magnetic field due to what induced current, it should be in opposite direction. Yes or no? हाँ या ना? कि हमने वही पढ़ा है ना? So therefore ये जो इस तरह से होगा, दिस विल गिव यू द व्हाट डायरेक्शन ऑफ इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। आप देखो ना, अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो कर्ल योर फिंगर्स, सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आप यहां बोल सकते हैं, ठीक है, सो इंड्यूस्ड करंट दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप कि आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू समझा आप सबको, दोज हु ऑल आर स्टडिंग, ठीक है, इना अंजलि एंड हु एल्स इज देयर, तेजल, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इफ द करंट इज व्हाट डिक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज सेकंड केस वो भी हो सकता है, तो अंडर दैट ओनली आप ऐसे सेकंड केस करके लिख सकते हैं, केस 2 डाल दीजिए, उसको केस 1 लिख देना, ठीक है। केस 2 हमने क्या बोला, ये जो
करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, दिस इज द आई, आई विद द व्हाट करंट, ठीक है. अब यहां से आप बोल सकते हैं कि सिंपल सी चीज है कि इफ आई इज व्हाट और डिक्रीजिंग, ठीक है, ये यहां पर आई जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो अब यहां पर जो हमने यू नो ये लूप रखा हुआ है, ठीक है, which is placed at a distance of what you know x, तो फिलहाल हम उसको मूव नहीं कर रहे हैं. अभी हम कौन सा केस, इसके पहले वाला भी केस हमने क्या डिस्कस किया कि जस्ट वो x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, वो मूव करने वाला वी विल टॉक अबाउट द लेटर. सो इन प्रीवियस केस ऑल्सो आप देख सकते हैं कि हियर ऑल्सो दैट लूप इज नॉट मूविंग, इट इज जस्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट x, ठीक है. एंड यहाँ पर ये करंट कैरिंग वायर है, जस्ट दैट वी आर सेइंग कि द करंट इन दिस लॉन्ग वायर इज चेंजिंग. द फर्स्ट केस वॉज द करंट इज इंक्रीजिंग, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ओवर हियर, बिकॉज देयर विल बी सम इंड्यूस्ड करंट ना, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज इन व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, इट विल मूव इट लाइक दिस. समझा आप लोग को, ठीक है, लेट मी जस्ट रिप्रेजेंट विद स्मॉल आई लाइक दिस. तो सेम वे ओवर हियर, एंड नाउ यू पीपल नो दैट कि ड्यू टू करंट कैरिंग वायर जो फील्ड होगा, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी व्हाट इन इनवर्ड डायरेक्शन ओनली. ये ध्यान में रखना है, ये पता होना चाहिए तुमको कि अगर इफ यू आर हैविंग अ करंट कैरिंग वायर, ये वायर है करंट कैर, ठीक है, एंड यहाँ आपने किसी ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, तो सिंपल सी चीज है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन. समझा, so like this, and now current is what decreasing. So since aap sabko pata hai, you know, current is directly proportional to B, and it is directly proportional to phi. So that means what, B will also decrease. B decrease hoga, to phi will also decrease. And jaise hi aapko phi ke baare mein pata chala, so now sab cheeze aa gayi, theek hai. So phi will what, decrease. Samjha? तो phi डिक्रीज हो रहा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बराबर. तो जब आप कह रहे हैं कि दैट विल बी व्हाट इन, नहीं सॉरी, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इट विल रिमेन द सेम, हाँ, इंक्रीज होता है तब चेंज होगा. तो अगेन दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट will be in the same direction of what existing. तो existing inward है, तो वो भी inward होगा. आप यहाँ बोल सकते हैं this is direction of magnetic field due to induced current. ठीक है, direction of magnetic field due to induced current. ठीक है, मोमेंट यू हैव गॉट द व्हाट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ये इनवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट मींस दैट इंड्यूस्ड करंट शुड बी व्हाट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, सो इंड्यूस्ड करंट कहां होगा, इट विल बी क्लॉकवाइज. ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको बोल रहे हैं. तो क्लॉकवाइज मतलब ये सॉरी, क्लॉकवाइज होगा उल्टा होगा ना, वन सेकेंड, क्लॉक कैसे जाती है तुम्हारी, 12 to 1 ना, मैंने प्रीवियस वाला आई थिंक रॉन्ग ड्रॉ कर दिया. तो दिस शुड बी इन व्हाट क्लॉकवाइज, ये इस तरह से ना 12 to 1, एक बार प्रीवियस चेक करने तो मुझे, हाँ ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है ना, वन सेकेंड, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है. सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा. ऑलराइट, ये प्लीज आप लोग चेंजेस कर लेना, अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो कर लो. आई होप ये दोनों केसेस समझ में आ गए आप लोग को. नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हाट, कि व्हाट इफ वी आर हैविंग द व्हाट टू लूप्स. ठीक है, हम लोग ने क्या रखा हुआ है, ये दो लूप है विच इज यू नो केप्ट इन
सम मैग्नेटिक फील्ड. अब उसमें जो करंट जनरेट होगा तब क्या होगा. नाउ द थर्ड केस, लेट मी जस्ट फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. तो कुछ भी हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड ले सकते हैं. लेट्स से इफ इट इज इन, जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, लाइक दिस. सो दिस इज द व्हाट यू नो डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. एंड नाउ लेट्स कीप टू लूप्स. ठीक है. अगर इस तरह से अपने पास में क्या दिया है, दो लूप है. मैं कोशिश करती हूँ कि प्रॉपरली ड्रॉ करूं. ये कैसा है दूसरा, सपोज दूसरा अटैच है, एक बिगर एंड स्मॉलर करके ले सकते हैं. तो अगर ये यहाँ से Now, what we guys can do, ये यहाँ से चलो हम लोग ने यहाँ ले लिया, एक थोड़ा छोटा लूप ले लेते हैं. Like this. ठीक है. So here we are having the what? Two loops. I hope ये थोड़ा यहाँ आना चाहिए ना. One second. Let me just take the diagonal opposite point somewhere over here. Now I think it is what? Perfect. ठीक है. So, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि यहाँ अपने पास में क्या दिया है कि दो फील्ड है. एंड यहाँ आप ये देख रहे हैं कि the field is in what? Existing field is in what? Inward direction. ठीक है. And here हम लोग ने दो फील्ड को दो लूप को क्या रखा हुआ है, inside that magnetic field. तो कुछ ना कुछ करंट जनरेट होगा. ठीक है. दैट इंड्यूस्ड करंट, और यू कैन से द करंट विल इंड्यूस्ड इन दिस लूप. एंड दैट इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू अपोज द व्हाट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. हाँ या ना. तभी तो, बिकॉज वही तो प्रिंसिपल है ना. तो दैट विल ट्राई टू अपोज द व्हाट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अब उसको काउंटर करने के लिए देखना होगा कि क्या दोनों ही लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा दैट विल बी सेम और इट विल बी अपोजिट. एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ओनली सिंगल करेंट विल वट पास थ्रू दिस बोथ दी लूप्स. ऐसा नहीं कि इसमें से अलग करेंट जाएगा, इसमें से अलग करेंट, नहीं, सेम करेंट जाएगा बट द डायरेक्शन कुड बी डिफरेंट. समझा. सेम करेंट विल वट पास थ्रू बोथ दी लूप्स. इसलिए यहाँ ना ऐसे मैंने थोड़ा सी करके ये ड्रॉ किया हुआ है. मैं एक बार थोड़ा इसको ट्राई करती हूँ, अच्छे से ड्रॉ कर दू. ठीक है. सो दैट के आपको समझ में आए कि यहाँ से लाइक दिस. Alright, so something like this. So यहाँ से same current will go, same current will what pass. तो जब same current pass होगा तो again, as I said कि that direction could be different but the current will be what, single. अब कैसे पता चलेगा हमको, ठीक है, कि what will be the current? So यहाँ पर we can say that कि the moment हमने यहाँ पर ये रखा हुआ loop, because you guys know that if any loop is what which is placed inside the magnetic field, what will happen? Magnetic field will increase. Because of that, magnetic flux will increase. The moment you are saying magnetic flux is increasing, the direction of, you know, that magnetic field due to induced current will be opposite direction. ठीक है. That will be in opposite direction to the existing one. अगर वो opposite में है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ठीक है, ये induced current जो है वो किस direction में होगा. चलो देखते हैं. Let's go one by one. So now, in this case, if we are saying कि magnetic field is what increasing, ठीक है, so this is what increasing. I'm sorry. So you people can say that, you know, and that to what in each loop. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में होगा, दोनों में भी ऐसा होगा. तो तब now the direction of you can say that induced current, वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा. अगर वो बढ़ रहा है तो सिंपल सी चीज है, पहली बात तो वो काउंटर करेगा फ्लक्स को. सॉरी, इफ इट विल व्हाट काउंटर द व्हाट फ्लक्स, ठीक है, सो दैट इंड्यूस्ड करंट विल बी व्हाट, दैट विल बी अपोजिट टू द व्हाट मैग्नेटिक फील्ड. एंड नाउ सो यू गाइस कैन से दैट इफ इट इज अपोजिट,
ये देखो ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इंड्यूस करंट शुड बी व्हाट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो दैट शुड बी व्हाट इन आउटवर्ड. तो एक्चुअल में यहाँ आउटवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, यू कैन से दैट इट विल बी व्हाट इन एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, इट शुड बी व्हाट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ देख रहे हैं कि एक जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा है लूप का, एंड द अनदर वन इज व्हाट, व्हिच इज स्मॉलर. ठीक है, सो नाउ यू पीपल कैन से दैट, और यहाँ पर हियर द, इफ आई एम सेइंग दिस इज व्हाट, लेट्स से ए वन एंड हियर इज व्हाट ए टू. ठीक है, सिंस ए वन इज व्हाट ग्रेटर देन ए टू, तो उसके हिसाब से जो होगा कि करंट भी वैसे फ्लो होगा, तो जो बिगर वाला है, ठीक है, सो द बिगर वन यू कैन से दैट द करेंट इन द फर्स्ट वन, बिकॉज जो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो सबसे पहले बिगर वाले पे आएगा, बिकॉज ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहीं पर बढ़ेगा. तो हियर इट शुड बी व्हाट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि ये वाले से जो जाएगा बिगर वाले लूप से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ये इस तरह से. ठीक है, आप देख रहे हैं ये यहाँ से आएगा, यहाँ जैसे ये करंट यहाँ, क्योंकि सिंगल करंट इज व्हाट पासिंग थ्रू बोथ द लूप्स. तो आप देख रहे हैं इसका ये सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप में इट इज व्हाट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज किस में होगा, दिस विल बी इन व्हाट, लूप वन. ठीक है, क्यों? सिंस एरिया ऑफ फर्स्ट लूप इज व्हाट बिगर देन द सेकेंड लूप. अगर सपोज सेकेंड का बड़ा होता तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता, तब यहाँ क्लॉकवाइज हो जाता, लाइक दैट. ठीक है, एंड क्लॉकवाइज जो होगा वो कहाँ होगा, दैट विल बी इन लूप टू. ठीक है, क्यों हो रहा है कि सिंस एरिया ऑफ द फर्स्ट वन इज बिगर देन द व्हाट, और यू कैन से द ग्रेटर देन द सेकेंड वन. ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट लूप इज व्हाट ग्रेटर देन द सेकेंड वन. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी आर सेइंग ये वाले में जो होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड यहाँ पर क्लॉकवाइज. देखो दोनों, पहली बात तो कि जो अगर ये इस तरह से नहीं होगा तो जो यू नो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, सो अपोज कैसे करेंगे? ठीक है, सो टू अपोज दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ एक तुम्हारा क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज में होगा, दूसरा क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा, समझा? तभी वो उस चीज को काउंटर कर पाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ठीक है, किसी को कुछ यहाँ डाउट नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट्स है बच्चा आप लोग शेयर कर लो. ठीक है, एटलीस्ट बाकी पब्लिक आ जाएगी तो उनको समझ में आएगा. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट अदर केस. ठीक है, तो अब हम दूसरी केस के बारे में बात करेंगे. सो हियर लेट्स से कि वी आर हैविंग द व्हाट यू नो वन बार मैग्नेट, एंड एक अपने पास में क्या है, कॉइल है. तो अब क्या होगा उसकी वजह से, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ सपोज हियर वी आर हैविंग द व्हाट बार मैग्नेट, ये हमने क्या बोल दिया, दिस इज द नॉर्थ पोल, हियर इज द साउथ पोल, एंड यहाँ अपने पास में क्या है, दिस इज व्हाट द सम कॉइल. वन सेकेंड, सो हियर वी आर सेइंग ये कुछ तो इस तरह से यू नो कॉइल है. तो व्हाट विल डू, एक बार ना वी विल टेक दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स दिस यू नो दिस कॉइल, ये यहाँ पर है. तो अब जैसे ही इसको आप यहाँ लेके जाएंगे, इवन हम लोग ने वो प्रीवियस जो वीडियो देखा था उसमें भी आपने देखा कि तुरंत ही क्या होता है कि दैट पॉइंटर विल व्हाट शिफ्ट. क्यों? क्यों कुछ ना कुछ तो करंट जो है इंड्यूस हुआ है. तो व्हेन यू विल टेक दिस नॉर्थ पोल टुवर्ड्स दिस यू नो कॉइल, तो क्या होगा कि करंट तो जनरेट होगा, बट इन विच डायरेक्शन? तो तुमको पता है कि यू नो द मोमेंट ही दैट करंट विल जनरेट, सो बिकॉज ऑफ दैट सम फ्लक्स विल ऑल्सो सॉरी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट करंट विल इंड्यूस. तो अपोज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होना चाहिए इसको अपोज करने के लिए? मतलब यहाँ नॉर्थ पोल होगा तभी अपोजिशन ऐसा होगा. तो नॉर्थ मतलब जैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव होने के लिए सो इट शुड बी व्हाट समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, करंट बी वॉट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये जो फॉर्म होता है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, समझा? तो
एक सेकेंड, आई थिंक मैंने रिवर्स कर दिया इसको, वन सेकेंड. सो हाउ यू गाइस कैन से दैट, ये देखो ये इस तरह से ऐसे करके ये ऐसे फॉर्म होगा, ये आपको दिख रहा है. इट इज व्हाट, अगर इसको थोड़ा आप ऐसे करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो नॉर्थ जैसा ही दिख रहा है. ठीक है, इसको थोड़ा आप ऐसे रिवर्स करके देखो, लाइक दिस. इट इज लुकिंग लाइक अ नॉर्थ नॉर्थ पोल ओनली. या मैं चलो यही ड्रॉ कर देती हूँ. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये ऐसे ही है एक्चुअल में. आप देखो ना, इसको ऐसे रिवर्स कर लो. यहाँ जो करंट जो इंड्यूस होगा दैट विल बी व्हाट, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, समझ में आया आपको? इन विच केस, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द दिस कॉइल. एंड यहाँ ये कॉइल को हमने किसी से करंट यू नो कनेक्ट नहीं किया हुआ है. दिस इज जस्ट अ स्टेशनरी कॉइल, ऐसे रखा हुआ है बस. ठीक है, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स दी तो यहाँ बोल सकते हैं कि therefore that direction of induced current will be what, in anti-clockwise direction. ठीक है, direction of induced current, ठीक है, direction of induced current that will be in what, anti-clockwise. ठीक है, समझ में आया आप सबको? ठीक है, नाउ अब आप क्या कर रहे हैं कि लेट्स से सेकंड केस में यही डिस्कस कर देती हूँ. इफ वी आर यू नो टेकिंग अवे दिस मैग्नेट फ्रॉम दिस कॉइल, तब क्या हो जाएगा? ये आपका कॉइल तो यहाँ ऐसे ही है. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल को ही हम क्या कर रहे हैं, उसको दूर लेके जा रहे हैं. किससे? जो आपका ये जो कॉइल है. ठीक है, सो इन दैट केस अब क्या होगा? एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है. अब जो इंड्यूस करंट होगा, ठीक है, क्योंकि अगेन चेंज इट हैज टू व्हाट, अपोज द व्हाट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अब ये जो होगा, सो द करंट विल बी व्हाट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक यू नो साउथ पोल. ठीक है, तो ये आप यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि करंट जो होगा ना, करंट इस तरह से ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे ऐसे आके. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, ऑफ बार मैग्नेट इज मूविंग अवे the coil, ठीक है, so in this case the direction of induced current will be in clockwise direction. So therefore I induced करके लिख दे रही हूँ, because I don't have space over here. I induced will be what? That will be in clockwise. एंड सिमिलर चीजें यू नो वी कैन टॉक अबाउट इवन इन विथ रिस्पेक्ट टू साउथ पोल ऑल्सो, राइट? कि वॉट इफ वी विल ब्रिंग साउथ पोल यू नो नियर टू दिस कॉइल, और वॉट इफ वी विल ब्रिंग यू नो और वी विल टेक अवे दैट साउथ पोल फ्रॉम दैट कॉइल, तो तब क्या होगा? और याद रखो गाइस कि अगर यहां तुमको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि आपका ये जो मैग्नेट है, ठीक है, इफ दिस इज एट स्टेशनरी एंड कॉइल को यू आर ब्रिंकिंग टूवर्ड्स द व्हाट नॉर्थ पोल, यही सेम चीजें होंगी. ठीक है, अगर यहां भी क्या है कि दैट मैग्नेट इज एट स्टेशनरी एंड कॉइल को यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द व्हाट साउथ पोल,
अगेन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी लाइक दिस ओनली. तो तुम किसी एक को स्टेशनरी रखो, बट हाँ इट शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल. ठीक है, वो गड़बड़ नहीं करना आप लोग. द नेक्स्ट थिंग, द फिफ्थ वन, नाउ वी विल टॉक अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू साउथ पोल. सो हियर सपोज अगेन वी आर हैविंग द बार मैग्नेट. तो ये आपका बार मैग्नेट है. नाउ लेट्स टेक द व्हाट यू नो नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो इफ वी आर सेइंग दिस इज द साउथ पोल, हियर इज द नॉर्थ पोल. तो एंड ये क्या है, ये कॉइल है. ठीक है, साउथ पोल को वी आर टेकिंग टुवर्ड्स द व्हाट दिस यू नो करंट कैरिंग लूप. तो इन दिस केस यू कैन से दैट, ठीक है, जो करंट होगा दैट विल बी व्हाट एग्जैक्टली अपोजिट. यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि करंट कैसे होगा, ये इस तरह से करंट पास होगा. ठीक है, तो लिख लो फटाफट से, व्हेन साउथ पोल, ठीक है, इज मूविंग टुवर्ड्स coil. So therefore the direction of induced current, I induced, will be what? That will be clockwise direction. ठीक है, नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली उल्टा है, बिकॉज नॉर्थ पोल में जब हम टूवर्ड्स लेके जा रहे थे तो वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज. क्यों उल्टा हो रहा है वो भी तुमको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. बिकॉज क्यों, क्योंकि फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है. तो देखो ना सिमिलर, अब आप बोलते हैं ना सिमिलर पोलैरिटीज जो होंगे वो अपोज करेंगे. तो साउथ साउथ होगा तभी तो अपोजिशन होगा. ठीक है, सो दैट वे यू गाइस कैन रिमेम्बर. सो इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज. सेम थिंग इफ यू विल टेक इट अवे फ्रॉम दिस कॉइल. ठीक है, इसके अंदर का केस टू, ये आपका जो बार मैग्नेट है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द साउथ पोल, हियर इज द नॉर्थ पोल, एंड ये आपका कॉइल है. ठीक है, इफ वी आर टेकिंग अवे दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स दिस कॉइल, अब रिवर्स हो जाएगा. तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी व्हाट, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा. ठीक है, इन केस ऑफ साउथ पोल, ठीक है, इज मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल. ठीक है, सो देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी व्हाट, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, आई इंड्यूस्ड विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, या आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं. ठीक है, बोथ इज सेम. बराबर, सो हियर एवरीथिंग वी हैव रिटन. ठीक है, एक सेकंड, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. ऑलराइट एवरीवन, जस्ट लेट मी नो इफ एनी डाउट एनीथिंग, दोज हू ऑल आर स्टडीइंग. ठीक है, जल्दी से आप सब मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी को कुछ भी डाउट है, एवरी वन ऑफ यू यू कैन टेल मी. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. तो ये हो गया, एंड द लास्ट वन मोर केस एंड देन वी विल स्टॉप. The last case is what, if suppose we are having, you know, two rectangular coils, yeah, so, and if they are what, placed at a certain distance, or let's say if they are approaching each other, so we can say that here there are, these are the what, two loops, is tarah se do loop hai, and they are approaching each other, okay, if they are approaching each other, so what will happen, to pehle chalo, यू नो अगर ये इसका क्या है सेंटर है, इफ दिस इज व्हाट द सेंटर, हम इनका रेडियस ले सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स से द रेडियस ऑफ द लूप इज व्हाट, एंड दोनों सिमिलर हैं, आर है, एंड दे बोथ आर व्हाट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट,
यहाँ तक है. दे बोथ आर व्हाट ट्रेस एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट यू नो एक्स. ठीक है, अब आप देखो इसको अगर यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो अगर ये निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं ना, वन सेकेंड. इफ वी हैव टू फाइंड आउट, हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं ना. सो तो हमारा काम यहाँ से हो जाएगा. वन सेकेंड गाइस, लेट्स ज्वाइन दिस फ्रॉम हियर. ठीक है, इफ दिस इज आर, ठीक है, if this one is r, this one is x, so using Pythagoras theorem, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, this will be under root of r square plus x square, बराबर. And if they are approaching to each other, so what will be the magnetic field, yeah, so whether कुछ change होगा या नहीं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से find out कर सकते हैं. Actual में ये आपका proper derivation है, but फिलहाल हम derivation नहीं कर रहे हैं. So this will be what given by the चीज B is equals to क्या हो जाएगा, देखो सॉरी. So now we people can say that which is what, देखो इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस वाला, जस्ट एक यू नो करंट कैरिंग वायर है तो 2πx हो जाएगा. तो सिमिलरली इफ इट इज व्हाट कॉइल, तो देन उस केस में क्या होगा, तो अपॉन जो हो जाता है तुम्हारा r स्क्वायर आ जाता है. बट यहाँ ये वाला हमको डिस्टेंस लेना पड़ेगा. इन दिस केस इट विल बी व्हाट, म्यू नॉट n इनटू i, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स भी मैटर करेगा. ठीक है, तो सिंगल टर्न्स है, यू नो कितना टर्न्स है, तो वो भी हमको लिखना पड़ेगा. इट विल बी व्हाट विच इज म्यू नॉट n इनटू, तो लेट्स से करंट इज व्हाट i, इनटू r स्क्वायर अपॉन, यहां जो होगा आई एम सॉरी, दैट विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. ठीक है, ये जो है दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, किस केस का फॉर्मूला है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप वन एंड लूप टू. आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू लूप वन एंड लूप टू. ठीक है, आप यहां इसको यू कैन कॉल दिस एज व्हाट लूप वन, यू कैन कॉल दिस एज व्हाट लूप टू, लाइक दिस. समझ में आया आप लोग को, ठीक है. तो अगर यहां से आप बोल रहे ना कि इफ एक्स इज व्हाट डिक्रीजिंग, एक्स डिक्रीज होगा तो बी विल इंक्रीज, एंड वंस द बी विल इंक्रीज तो यू गाइस कैन से दैट 5 विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, so you people can say that since b is what inversely proportional to what, आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर इसको पूरा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक कि ये जीरो है, तो इन सिंपल स्टेटमेंट में लिख दो, बिकॉज इफ आई से जस्ट विथ रिस आई मीन इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू x, तो वो लॉजिकली पूरा करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं स्क्वायर है, ये रेज टू 3/2 है, तो उसको पहले सॉल्व करना होगा. So in simple words, what you guys can say that, यहाँ लिख लो आप, ठीक है, that if x decreases, ठीक है, x decreases, so therefore, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, therefore what will happen, that b will also decrease, and the b will decrease, so 5 will also decrease, ठीक है. समझ में आ गया सबको, तो ये चीजें हैं, यहां से आप ये ध्यान रखो, ठीक है. एंड इफ यू आर टेकिंग अवे, ठीक है, ये देखो यहां पर आप सॉरी यहां पर आप डिक्रीज एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो दैट उल्टा कर दिया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला था ना, इट शुड बी इंक्रीजेस. सॉरी, इसको मैं एक काम कर दे रही हूं, यहां मैं चेंज कर, सॉरी गाइज, एक्चुअली एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, वन सेकेंड. या नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, इसको जस्ट एक्चुअल में वाइंड अप करना था, एंड बीच में लैपटॉप बंद हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर इट.
आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा कि दिस इज वॉट यू नो मैग्नेटिक फील्ड टू यू नो बोथ दी लूप्स लूप वन एंड लूप टू. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वॉट बोथ दी लूप्स आर वॉट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ऑब्वियसली बात है कि फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, तो फील्ड विल डिक्रीज एंड इवन फ्लक्स विल ऑल्सो डिक्रीज. इन एडिशन विद दैट यू कैन से दैट यू नो इफ जो x है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, इफ दिस डिस्टेंस इज वॉट डिक्रीजिंग, मतलब पास में आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इफ x इज वॉट डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो b जो होगा वो इंक्रीज होगा. ठीक है, तो कंबाइंड जो b है, b विल वॉट इंक्रीज, तो इट शुड बी वॉट इंक्रीज. ठीक है, and even phi will also increase because phi is directly proportional to b. okay, that will also increase. samajh mein aa gaya sabko, everyone? ठीक है, and therefore you can say that dekho when you are talking about the current, ठीक है, yahan par लाइक कि जो करंट हो जाएगा, यू नो करंट थ्रू ईच लूप, इफ बी इज इंक्रीजिंग, फाई इज व्हाट इंक्रीजिंग, तो द करंट दे विल ट्राई टू अपोज ना, तो करंट विल व्हाट डिक्रीज. ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, करंट विल व्हाट डिक्रीज, एंड इन दिस केस इफ यू विल टॉक अबाउट द करंट, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज होगा. ठीक है, in this case the current will what increase. samajh mein aaya, because kya hoga ki if they are what वैसे pass mein aayenge to you know they will what oppose. theek hai, oppose hoga opposition ki wajah se. here you can say that ki in this case because phi is sorry b decrease ho raha hai, phi decrease ho raha hai, to that I will what increase. theek hai, and in the next case here you can say that the current will what decrease. Because you know with that flux will what try to reduce the current and that will try to attain the what you know the original current. So the reason ki jo current hai na decrease and increase ho raha hai, so it's happening. I hope humne aaj sare hi cases discuss kar liye, as you guys can see. theek hai, jitne bhi cases hain ki how that magnetic flux changes, how you know that इंड्यूस्ड करेंट वॉट विल बी द डायरेक्शन एंड ऑल दो स्टफ, सारी ही चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो उसको ध्यान में रखो. ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द इंडक्शन, सो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. अगेन बिफोर दैट आज अपनी दो स्पेशल क्लासेस और भी हैं, 12:30 है और एक 2:30 है. ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, तो यू पीपल कैन ज्वाइन, एंड एट 6 PM इन बेसिक मैथ्स क्लास वी विल मीट. एंड यस, इफ यू गाइज आर यू नो इंटरेस्टेड, आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो आप ये सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं. जस्ट आपको मेरा कोड यूज करना है, Archana10. ठीक है, आप ये कोड यूज कीजिए, आपको इमिडिएटली 10% ऑफ मिलेगा. ठीक है, एंड प्लस यू विल गेट माई मेंटरशिप एंड रेस्ट एवरीथिंग. आइकॉनिक लेना, आइकॉनिक लो, अगेन द कोड विल रिमेन द सेम. ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अपने और फायदे हैं, बिकॉज आइकॉनिक आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट यू नो पर्सनल मेंटर, एंड देन यू आपके जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी आपके घर तक डिलीवर की जाती है, प्लस आपको स्टडी प्लानर मिलता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्लस के जितने भी एडवांटेजेस हैं, वो प्लस वाले स्टूडेंट को नोट्स वगैरह जो होता है वो तुम्हारे यू नो ऐप में ही मिलता है. आई होप आप लोग ने वीडियो को लाइक किया होगा, ठीक है, नहीं किया तो कर लो, शेयर कर दो बाकी लोगों के साथ, बिकॉज आज का लेक्चर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था. ठीक है, एंड बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा सारा चीज, एंड एज आई टोल्ड यू गाइस कि अभी जो अपना नीट फाउंडेशन एंड यू नो नीट का जो ऑफर चल रहा है, सो आप लोग उसका एडवांटेज उठा सकते हैं. एंड सब लोग कॉम्बैट देना मत भूलना, अगेन यू कैन यूज द सेम कोड. ठीक है, आप सेम कोड यूज कर सकते हैं Archana10 फॉर द फ्री रजिस्ट्रेशन. बाकी ये आपका पूरा कॉम्बैट का सिलेबस है, तो इस बार बहुत सिंपल है, आप अच्छे से सिलेबस को देख के आप अपीयर कर लीजिए. एंड बैचेस कोई भी ज्वाइन करना है, एंड दोज ऑल आर योर 9th एंड 10th ग्रेड स्टूडेंट, सो फॉर यू पीपल दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग. ठीक है,
आप यू नो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं जस्ट अगर आप 2 ईयर्स के लिए रजिस्टर करते हैं. एंड सिंस द ऑफर इज जस्ट ओनली फॉर 500 सब्सक्राइबर्स तो यू कुड बी वन ऑफ देम. आप उस चीज़ का ध्यान रखिए. यहाँ है ये सारी चीज़ें, ठीक है, दीज आर द लॉट ऑफ एडवांटेजेस. इवन मोर देन दैट सभी के लिए बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. सी ऑल गाइस एट 12:30 PM इन स्पेशल क्लास एंड द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ हम एक तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड एट 2:30 PM वी विल गोइंग टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन. ठीक है, तो दोनों ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत यू नो ज़्यादा ही रिक्वायर्ड है आप लोग के लिए बिकॉज लॉट ऑफ यू पीपल स्ट्रगल विथ इंटीग्रेशन. एंड इंटीग्रेशन तो एनी वेज हम करने वाले बट फिर भी आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. एंड यस YDSC जो है बिकॉज नीट के लिए भी एंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ. लाइक और शेयर कर लो भाई, और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ठीक है, बाय बाय.